विद्युते कल्पना जलम गंभीर उदामूर्तये नमन समन्ता भद्रया समन्ता त्रिशे। श्रद्धे स्वामी जी, पूज्य भिक्षुगण, परम आदरणीय कुलपति महोदय डॉक्टर गुप्ता जी, कुल सचिव महोदय और सभी शैक्षणिक अशैक्षणिक कार्यरत विद्वत वृंद, स्नेह पात्र छात्र वृंद, ये विचित्र घटना है कि मैं सारे दायित्वों से सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ मित्रों के आग्रह को ना टल पाने के कारण कुछ वर्ष पूर्व इस विश्वविद्यालय की कुलाधिपति की नाम को मैंने ग्रहण किया था, लेकिन मेरा कोई योगदान नहीं रहा। 3 वर्ष तक वो नाम मेरे साथ जुड़े रहे। वाइस चांसलर के अवकाशों को शायद स्वीकृत दिया होगा और उसके अतिरिक्त हमारे कोई योगदान नहीं रहा। तो उसके बाद मेरे कार्यकाल पूर्ण हुआ और 1-2 बार सम्मेलनों में या कुछ कार्यों में भोपाल में आना जरूर हुआ था। उसके पश्चात इस विश्वविद्यालय की परिवारों से संबंध विचित जैसा हो गया था। तो फिर पिछले वर्ष एक दिन आकस्मिक वहीं पुराने मित्रों का दुर्भाष्य से बात हुआ कि आपको पुनः नियुक्त होने जा रहे हैं। तो मैंने बहुत कहा कि आप मुझे इसमें मत फंसाइए, परंतु वयोवृद्ध मित्रों की आग्रह को टालना अंततगत संभव नहीं रहा। तो पुनः फिर मुझे इस पद के नाम को विवशता स्वीकार करना पड़ा। तो सोचते रहे, ऐसा तो भारतवर्ष में जितना विश्वविद्यालय हैं उनका कुलाधिपति एक अलंकार वस्तु होता है, उस ना तो कोई दायित्व होते हैं और ना कोई शक्ति होता है। तो इस सोच कर कि हमने पुनः इस पद को ग्रहण किया, तो सामान्य परिषद की बैठकों में उपस्थित होना चाहिए थे, एक बार नहीं हो पाए। तो इस बार जब सूचना किए तो मेरे विचार में आया कि हर समय अनुपस्थित रहना दायित्व को अनादर करना जैसा हो जाएगी। तो जो कुछ बाधाएं थे उसके अतिरिक्त धर्मशाला में 14-15 तारीख को पहले से ही निर्धारित कुछ कार्यक्रम थे, उन सब बावजूद मैं यहाँ उपस्थित होने की प्रयास किया और पहुँच पाए। मैंने ये कभी कल्पना भी नहीं की थी आप सबसे मुलाकात होंगे और बहुत सब औपचारिकताएं निभाया जाएगा। एक विशेष अतिथि के रूप में आदर सत्कार होगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। लेकिन कल जब से मैं
हवाई अड्डे पर उतरा हूँ तब से लेकर अभी तक औपचारिकताएँ निभाते जा रहा हूँ। आप लोगों की ओर से स्नेह पूर्वक आदर सत्कार किया गया है, उसको मैं अनादर तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक साधारण बौद्ध भिक्षु के लिए ये सारे औपचारिकताएँ बहुत सहज रूप से स्वीकार करना उतना सुविधाजनक नहीं होता है। फिर भी जो कुछ हैं सो ठीक ही हैं। सांची एक ऐसा आर्यावर्त भारतवर्ष के मध्य स्थल में महत्वपूर्ण जगह रहा है प्राचीन काल से ही। भगवान बुद्ध के जीवन काल में भी यहाँ के जनपद अनेक महत्वपूर्ण इतिहास घटनाओं से घटित हो रहे थे। अशोक से जुड़े हुए इतिहास, राजा भोज से जुड़े हुए इतिहास इत्यादि सब आपको मालूम है। संपूर्ण प्राचीन समय में ये स्थल बौद्ध भारतीय ज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विद्या के स्थान रहा है। और वर्तमान काल में भी मैं आज सुबह सर्किट हाउस से यहाँ आ रहे थे तो मार्ग में बहुत सा विश्वविद्यालय देखे, शिक्षा संस्थाएं देखे, स्कूल्स देखे, तो आज भी ये एक प्रकार से शिक्षा केंद्र रहा है, ऐसा मुझे अनुभूति हुआ। पंद्रह बीस वर्ष पूर्व भारतवर्ष में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन की स्थापना हुए, उस कार्यक्रम से हम भी जुड़े हुए थे, तो उसके आसपास एक ऐसा विचार लोगों के मन में उदय हुआ कि सांची में बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन की विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए। तो वो बिल्कुल होना चाहिए, इस बात से मैं भी सहमत थे, संस्तुत किया और कुछ लोगों के साथ मिलकर के इस विचार को एक प्रारूप देने की प्रक्रिया में थोड़े दिन लगे थे। आज भारतवर्ष राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, परंतु शैक्षणिक दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से आज भी विदेश प्रभुत्व समाप्त नहीं हो पाया है। आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते ही होंगे। 1832-33 के समय में मैकॉली ने जो यहाँ की शिक्षा पद्धति को समाप्त करने की विचार ब्रिटिश सरकार को दिया था, तब से लेकर के करीब 80 वर्ष की अवधि में 1908-09 तक
भारतीय शिक्षा संस्थाएं, शिक्षा पद्धति और परंपराएं लगभग समाप्त हो चुके थे जो गांधी जी ने हिंद स्वराज में समर्पण किया है। और उसके बाद धर्मपाल जी ने उन सबको विवरण ब्रिटिश शासन की दस्तावेजों से प्रमाणिकता से निकाल करके विवरण दिया है। द ब्यूटिफुल ट्री नामक उनका ग्रंथ है, उसमें भारतीय शिक्षा पद्धति किस प्रकार से समाप्त हुआ, उसकी विरोध में आंदोलन भी बहुत शुरू से चल चुके थे। आर्य समाज का आंदोलन, अरविंद घोष की आंदोलन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कार्य, मदन मोहन मालवीय की प्रयास, गांधी जी के स्वयं नैनीताल की व्यवस्था, इन सब के माध्यम से वह जो मिटाए गए भारतीय शिक्षा पद्धति को पुनः स्थापित करने की प्रयास हर प्रकार से जारी रहा। परंतु वह कार्य यथा इच्छित और यथा आवश्यकता पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि ये नैनीतालीन की पद्धति हैं मेरे भारतीय राष्ट्र के प्रति आखिरी एवं सर्वोत्तम एक बेंच है, ये राष्ट्र स्वीकार करेंगे। परंतु आज नैनीतालीन पद्धति के माध्यम से शिक्षा संस्थान या शिक्षा व्यवस्था कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। वर्तमान परिस्थिति में थोड़ा बहुत पिछले 40-50 वर्षों में प्रयास हुआ, जिसके अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय, नया नालंदा पाली इंस्टीट्यूट, लद्दाख इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़, सेंट्रल इंस्टीट्यूट टिबेटन स्टडीज़ सारनाथ, इन सब के माध्यम से थोड़ा बहुत प्रयास चल रहे हैं, लेकिन वो संपूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं दिखाया गया। और सांची जैसे जनपद में, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण के जनपद में एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित हो, इसका आवश्यकता बहुत से बुद्धिजीवियों के और राजनेताओं की मन में उत्पन्न हुआ, तो ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। इसका संभावनाएं बहुत व्यापक हैं, अथाह संभावनाएं इसमें हैं। परंतु हर कार्य में प्रारंभ में थोड़ा कठिनाई होते हैं, वो यहाँ पर भी संभवतः हो रहा है, ऐसा कुछ मैं अनुभूति कर सकता हूँ या अनुमान कर सकता हूँ, बहुत कुछ मैं जानता नहीं हूँ। अंग्रेज भाषा में कहते हैं टीथिंग ट्रबल, बच्चों को दांत उगते हैं तो थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा कठिनाई होते हैं, उस समय ऐसा आप लोग गुजर रहे हैं। लेकिन इस समय आपके पास एक बहुत कुशल कुलपति और कुल सचिव मिले हैं, इनके प्रयासों से ये विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों को बहुत ही सरलता से और शीघ्रता से प्राप्त होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और उसमें
उस महायाग में यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जो शैक्षणिक कार्य से जुड़े हुए हो, प्रशासनिक कार्य से जुड़े हुए हो और अन्य सेवाकारों से जुड़े हुए हो, विद्यार्थी हो या इस विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी व्यक्ति, सब एकजुट होकर के सबका सहयोग ये दोनों महानुभावों की नेतृत्व को सहयोग करेंगे तभी हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। बहुत और भारतीय ज्ञान की परंपरा संपूर्ण विश्व में अद्वितीय विद्याओं की परंपरा है जिसकी अनुमान वर्तमान परिस्थिति में जो तथाकथित अति आधुनिक या उत्तर आधुनिक सभ्यता में जीने वाले लोगों को इसके अंदाज इसका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। अब एक नए संभावना हम लोगों के सामने देख रहे हैं, उस संभावना को हमें ठीक ढंग से उपयोग करना चाहिए। कुछ युग 200-300 वर्ष ऐसा बीता कि जितना प्राचीन परंपराएं हैं वह उसके समय व्यतीत हो चुका है, आउटडेटेड हो चुके हैं। सारे आधुनिकता में जाना चाहिए ऐसा एक जन साधारण विचार बने थे। विनोबा भावे जी ने अनेक बार इस कथन को अभिव्यक्त किया है कि अगर आधुनिक साइंस के विकास ठीक हो सकें तो वह एक दिन आध्यात्मिक विद्या से, प्राचीन भारतीय विद्या से मिलन होंगे। जब दोनों के शिखर सम्मिलन आधुनिक साइंस और प्राचीन भारतीय विद्या के मिलन होंगे तब संपूर्ण जगत की जो व्यवस्था है वो एक नई चीज उदय होगा। मैं इसका विरोध करते थे अनेक बार, आचार्य जी जब जीवित थे तभी मैंने कहा था, उनके बाद भी, कि ये आचार्य जी का सपना संभवतः पूर्ण होने वाला नहीं है। परंतु इस विचार को परम पावन 14वें दलाई लामा जी ने भी लिया और उन्होंने पिछले 40 वर्षों से पश्चात आधुनिक साइंस वालों से संपर्क में रहा, संवाद में रहा। ये संवाद आप एक संस्था के रूप ले चुके हैं, द माइंड लाइफ इंस्टीट्यूट जो अमेरिका में स्थापित हुआ है, उनके माध्यम से बौद्ध साइंस और आधुनिक साइंस के मध्य में एक विशाल वार्तालाप पिछले 40 वर्षों से चल रहे हैं। उससे आधुनिक साइंस की सोच में कुछ नए दिशा दिखाई देने लगे हैं, ये आगे बढ़ेगा ऐसा लगता है। तो ऐसे समय में प्राच्य भारतीय विद्याओं की प्रासंगिकता और उनकी आवश्यकता उत्तर वृद्धि होंगे और लोग इसके और झुकेंगे। गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को उपहास में लोग कहते थे
मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो मैं उसको मेरे पश्चात मित्रों से कहता था कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी इसलिए हैं, आपको अंतत गत्वा मजबूर होकर के गांधी जी के विचारों को मानना पड़ेगा और उसके अनुसार करना पड़ेगा। तो इसको इस ढंग से देखना चाहिए। और मैं विनोबा जी के प्रति भी क्षमा याचना सहित अब कहूँगा कि उनका कहना बिल्कुल सही था, मेरे विचार गलत थे। तो आप जो मैंने कहा कि टैगोर, मालवीय जी और स्वामी दयानंद, अरविंद घोष, इन लोगों ने बहुत प्रयास किए थे, वो ज़्यादा सफलता नहीं मिले, तो उनका समय की जो वातावरण था वो कुछ और था। आज संपूर्ण जगत में एक नया वातावरण उपस्थित हो रहे हैं, इसमें ऐसा विश्वविद्यालय की जिसमें प्राचीन भारतीय विद्या जो एक अथाह, एक विशाल, जो वैदिक दृष्टि से देखा जाए तो वेद, उपवेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र आदि, और बौद्धों की दृष्टि से देखा जाए तो पांच महाविद्या, और इस प्रकार से जो है कि बहुत विशाल प्रामाणिक विद्याओं का भंडार हैं, वह लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं, परंतु विलुप्त हुआ नहीं है। महानुभावों ने, महर्षियों ने, बुद्धसत्वाओं ने किसने किसी तरह उसको आज तक जीवित रखे हुए हैं। उनको अब आपके जीवन काल में, आपके आने वाले पीढ़ियों के जीवन काल में ये पुनः उदय होगा, और पुनः उदय होकर के संपूर्ण जगत को एक नए शांति और आनंद की एक मौका फिर से देगा। ये दायित्व संपूर्ण जगत के प्रति जो भारतीय वर्ष के दायित्व हैं, यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमको परफॉर्म करना होगा। भारतवर्ष को जगत गुरु अलंकारिक रूप से नहीं कहा गया था, ये वास्तव में जगत गुरु थे और बीच में हटा दिया गया प्राचीन शासकों की आदि में। अब हम राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन हैं, अब विद्या की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से पुनः स्वाधीन को प्राप्त करना होगा। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण भारतीय नेतृत्व ने स्वीकार किया है, और उसमें हम लोगों का दायित्व क्या होगा, इस आने वाले 25 वर्षों में प्राचीन भारतीय विद्याओं को पुनः स्थापित करके संपूर्ण जगत को एक नए प्रकाश देना, ये हम लोगों का दायित्व रहेगा। आने वाले जो पीढ़ियों की दायित्व रहेगा, और उस दायित्व पूर्ण करने में आप सबका आहुति उसमें आवश्यकता है देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इन शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबका आभारी हूँ, मुझे आपसे मिलने के अवसर प्रदान किया गया और कुछ बात करने की भी अवसर प्रदान किया गया। जय जगत।